नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय। बस्ती विधि अध्याय, बस्ती विधि अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में वमन विवेचन के बारे में बताया था, अब बस्ती विधि अध्याय के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। बस्ती, बस्ती के भेद, सर्वप्रथम बस्ती के भेद और बस्ती क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। बस्ती जो है वात प्रधान रोगियों के लिए होती है और बस्ती बस्ती के द्वारा यानी बस्ती के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसको बस्ती कहते हैं। बस्ती ना दिए तो ये थी बस्ती, इसलिए इसको बस्ती कहते हैं। ये बस्ती वात वातोल्लवणेषु दोषेषु वाते वा बस्ती रिच्छते, वात प्रधान दोषों में, वात वल्लणेषु मतलब वात प्रधान दोषों में अथवा केवल वायु में, दोषेषु वाते वा सिर्फ केवल वायु वायु में बस्ती दी जाती है। उपक्रमाणाम सर्वेशाम सो अग्रणी स्त्री वध्वस्त है, सभी उपक्रमों में, सभी उपक्रम का मतलब वमन आदि सभी उपक्रमों में ये सबसे श्रेष्ठ कराती है, मतलब वमन विरेचन में बस्ती को सबसे श्रेष्ठ माना है, सभी उपक्रमों में सबसे श्रेष्ठ है। आगे लिख रखा है अग्नि है, आगे लिख रहा है त्रिविधस्तुत है, ये तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, निरुहो अनुवासनम बस्ती उत्तरम, निरु बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती, इस प्रकार से बस्ती तीन प्रकार दी जाती है। बस्ती के योग्य रोगी कौन कौन से हैं, बस्ती किन किन लोगों को देनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। तेन साधयेत यानी इनको बस्ती देनी चाहिए, किनको, गुल्म अनाह खुड़ग प्लीहा शुद्ध अतिशार शूलिनी जीर्णज्वर प्रतिशाय शुक्र अनिल मजग्रहान वर्धमा अस्मरी रजोनाशान दारुणाश्च अनिला आमयान, मतलब इन सब रोगियों को बस्ती देनी चाहिए। बस्ती के योग्य रोगी हैं कौन कौन से, नेरू बस्ती से गुल्म अनाह खुड़ यानी वातरक्त प्लीहा निरामातिसार शूल जीर्णज्वर प्रतिशाय शुक्रक्षय वातग्रह मलग्रह वर्धम अस्मरी रजोनाश तथा दारुण वात रोगियों की चिकित्सा करें, इसकी चिकित्सा इनसे हो सकती है, चिकित्सा करें। निरुबस्ती के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं, किन किन व्यक्तियों को निरुबस्ती नहीं देनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनास्थाप्य स्व त्व स्त्री स्निग्धम क्षत्यरसको भृषम कृषय अमातिशारी वमिता वमीमान संशुद्धो दत्त नावन है श्वास काश प्रशेको अर्सो हिदमा आधमान अल्प वन्नीय शून्यपायु कृताहारो बद्ध छिद को द्रोधरी कुष्ठी चय मधुमेही चय मासान सप्त गर्भिणी, मतलब इन लोगों को निरु बस्ती नहीं देनी चाहिए। कौन कौन से लोगों को, कि जिनमें अति स्निग्ध हो बहुत ज़्यादा स्निग्ध व्यक्ति हो, उरक्षता रोगी हो, अतिक्रस हो बहुत ज़्यादा कमजोर हो, अमातिसार हो निरंतर वमन कर रहा हो ऐसे योगी हो, वमन विरेचन से शुद्ध व्यक्ति हो, नस दिया हो, श्वास काश मुख से लाला से लासरा हो रहा हो, अर्स हिक्का आधमान मंदाग्नि से की रोगी जिसकी गुदा सूजी हो मतलब सुन पायु गुदा सूजी हो, भोजन कृत आहार हो जिसने भोजन किया हुआ हो, बद्ध छिद्रोदरी जो बद्धोदरी हो छिद्रोदरी उदकोदरी हो, कुष्ठी से मधुमेही और कुष्ठ रोगी हो मधुमेही रोगी हो, इन इसके अलावा 7 मास तक की गर्भिणी को भी निरुबस्ती नहीं देनी चाहिए, ये इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अनुवासन के योग्य कौन कौन से हैं, अनुवासन बस्ती किन लोगों को देनी चाहिए उसके बारे में कहा गया है कि आस्थाप्यम एवं चा अनुवासा, जिनको आस्थापन बस्ती दे सकते हैं उन सभी रोगियों को अनुवासन बस्ती भी दी जा सकती है, जिनको निरु दे सकते हैं उन सभी को अनुवासन बस्ती भी दी जा सकती है। विशेष तौर से विशेषाद अतिवन्यम, विशेष रूप से किसको, जिसकी अतिवन्य यानी जिसकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप्त हो, जिसकी जिसकी जो अग्नि है बहुत ज़्यादा अग्नि अग्नि वाले व्यक्ति हों, इसके अलावा रूक्षा केवल वातार्था और रूक्ष शरीर वाले हों और केवल शुद्ध वायु से पीड़ित रोगी हों, इनको अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन के योग्य रोगी कौन कौन से हैं, नानुवास्य एवच, मतलब जो निरु के अयोग्य हैं वही अनुवासन के योग्य व्यक्ति है, ये ना अस्थाप्यम था मतलब जो उनको कहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से रोगी हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, पांडु कामला मेह पीनसा, मतलब पांडु रोगी कामला रोगी प्रमेह रोगी पीनस के रोगी, इनको भी अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। निरन्न जिन्होंने भोजन
बिना भोजन किए हुए निरन भोजन बिना भोजन किए हुए निधान जी प्लीहा प्लीहा रोगी हो, वीट भेदी यानी अतिसार रोगी हो, गुरु कोष्ठ जिनका उधर कोष्ठ भारी हो, बहुत ज़्यादा भारी हो, कफोद्रव जो कफ कफोद्रव के रोगी हो, अभिसंधि अभिसंधि के रोगी हो, भ्रंश स्थूल यानी अत्यधिक स्थूल हो, कृमि कोष्ठ हो जिनका कोष्ठ में कीड़े हों वो, आड्य मारुता यानी आड्य 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 वात रोगी हो इनको, पीत विषय जिन्होंने विष पिया हो, गर्भ विषय जिनको गर्भ विष में हो, और पच्चे स्लीपदी यानी अपजी अपजी में स्लीपद में, और गलगंड मल गलगंडान जो गलगंड रोग से पीड़ित हो, इन व्यक्तियों को भी अनुवासन वस्तु नहीं देनी चाहिए। निरुह तथा अनुवासन यंत्र के लक्षण। अब निरुह और अनुवासन यंत्र कैसा होना चाहिए, मतलब ये बस्ती दे देंगे उनका यंत्र किस प्रकार का हो, उसके बारे में वर्णन किया गया है शास्त्रों में, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तयो अस्तु नेत्रम हेमादि धातु दार्व अस्थि वेणुजम, मतलब कैसा होना चाहिए, तयो अस्तु यानी उससे निरुह और अनुवासन बस्ती को देने के लिए नेत्रम यानी जो नेत्र हो जो वो दंड जो नेत्र होता है वो कैसा होना चाहिए, हेम आदि धातु वो स्वर्ण आदि धातुओं का बना होना चाहिए। इसके अलावा दारवा यानी लकड़ी का होना चाहिए, अस्थि यानी अस्थि का होना चाहिए, वेणुजम यानी बाँस का होना चाहिए, इन इन सब में से किसी एक का वो बना होना चाहिए, किससे, स्वर्ण आदि धातुओं से, लकड़ी का, अस्थि का या बाँस से बना होना चाहिए। इसके अलावा कैसा होना चाहिए, गोपुच्छकारम गाय की पूंछ के आकार का, यानी गाय की पूंछ जिस प्रकार से होती है आगे को पतली होती है, इस प्रकार से गाय की पूंछ के आकार का होना चाहिए। अछिद्रम उसकी दीवार में कोई छेद नहीं होना चाहिए। श्लक्षणम यानी चिकना होना चाहिए। रुजु रुजु यानी सीधा होना चाहिए। गुलिका मुखम और उसका मुख जो है जो जिसको अपन प्रवेश करेंगे गुदा में या योनि में प्रवेश करेंगे वो मोल गोल जो है गोल धार वाला होना चाहिए, मतलब तेज धार वाला नहीं हो, गोल हो, गुलिका वाला गुलिका मुखम गोल मुख गोल वाला होना चाहिए, धार वाला नहीं होना चाहिए, ये इसका वर्णन किया गया है। उक्त यंत्र की लंबाई कैसे होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। ऊने अब्दे पंच है, ऊने अब्दे बोलते हैं एक साल से कम, ऊने अब्दे यानी एक साल से कम, एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पंच यानी पाँच उंगल का होना चाहिए। पूर्ण यानी पूर्ण हो जाए एक ऐसे में दो वर्ष से लेकर के और छः वर्ष तक के लिखा है उन्होंने, पूर्ण अस्मिन सप्त अभ्यो अंगुली सत, मतलब दो वर्ष से लेकर के छः वर्ष के बच्चे में छः अंगुल, सप्त में सप्तम, सातवें वर्ष में सात अंगुल, नष्टो द्वादश और आठवें अंगुल आठवें वर्ष में बारह अंगुल, आठवें अंगुल आठ बारह आठवें वर्ष में बारह बारह वर्ष के लिए आठ अंगुल, द्वादश वर्ष में आठ अंगुल होना चाहिए, सोलह से नव और सोलह वर्ष तक नव अंगुल होना चाहिए, द्वादश वैव विपक्षम वंशा दृश्य और इस प्रकार से नौ अंगुल बीस के आगे बारह अंगुल नेत्र होना चाहिए, मतलब बारह वर्ष सोलह वर्ष में नौ अंगुल होना चाहिए और बारह वर्ष के बाद भी बारह वर्ष से लेकर के बीस वर्ष तक बीस वर्ष के आगे क्या बीस वर्ष से आगे बारह अंगुल द्वादश वर्ष विस्तृत होना चाहिए। और इसके अलावा वयो बल शरीरानी प्रमाण अभिवर्धनम, इसके अलावा बीच के वर्षों में के लिए वय बल और शरीर की स्थिति को देख करके नेत्र की लंबाई का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। स्व अंगुष्ठ इन समम मूलम स्व स्थान उग्री कनिष्ठ गया, मतलब उसका मूल कैसा होना चाहिए और अग्रभाग कैसा होना चाहिए उसके लिए लिखा है कि अपने अंगूठे के समान मूल भाग, मतलब रोगी के अंगूठे के समान तो मूल भाग होना चाहिए और कनिष्ठिका यानी कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली है, कनिष्ठिका अंगुली उसके समान उसका अग्रभाग होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ये बताया गया कनिष्ठिका का। यंत्र में छिद्र कैसा होना चाहिए, मतलब इसका छिद्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में, पूर्ण अवधि अंगुल मादा है यानी एक साल के बच्चे के लिए अंगुल मादा है, छः अंगुल लंबे यंत्र के मूल में एक अंगुल एक अंगुष्ठ वाला छिद्र होना चाहिए, एक अंगुष्ठ का छिद्र होना चाहिए। तद अर्ध अर्ध प्रवृद्धम उसके बाद में उसका आधा से आधा यानी चौथाई भाग बढ़ाते हुए त्रंगुलम परम छिद्रम, तीन अंगुल मतलब तीन अंगुल के बराबर परम छिद्र होना चाहिए, जिससे छिद्र नहीं होना चाहिए। मूल्य अग्रे हेतुत्व यते मतलब इस प्रकार से आधा आधा बढ़ा करके चौथाई अंगुल बढ़ाते हुए तीन अंगुल परिणाम तक छेद बढ़ावें। इसके इसका छेद आगे होना कैसा चाहिए, छेद बताया उन्होंने कि मुद्गम प्रवेशम, मतलब सबसे पहले तो मूंग के प्रवेश के बाद फिर मांस यानी
उर्द के प्रवेश के उर्द के प्रवेश के बराबर, फिर कला यानी मटर के बराबर होना चाहिए, चाहे क्लिनम, फिर क्लिन कला यानी मटर को जब को गर्म करते हैं तो फूल जाता है वैसा होना चाहिए, इसके बाद में करकंधु यानी बेर की गुठली के समान, इस प्रकार से क्रम से ये छिद्र होने चाहिए। मतलब एक जो उम्र बताइए उस हिसाब से सबसे पहले मूँग छेद मूँग के बराबर, फिर उर्द के बराबर, सुख कलाई के बराबर, क्लिन कला बराबर, और फिर बेर की गुठली के बराबर, इस प्रकार से इसका छिद्र होना चाहिए। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, इस प्रकार से छिद्र का वर्णन किया गया है होना चाहिए। अब है उक्त यंत्र की में कर्णिका आदि को जोड़ना। अब इसमें कर्णिका आदि को जोड़ने के लिए बताया है मूल छिद्र प्रमाणेन प्रांते घटिक कर्णिकम, मतलब प्रांत में कर्णिकाओं का बनाना चाहिए। कर्णिकाओं से क्या होता है, एक तो प्रवेश के समय उससे अधिक नहीं जा सकता, दूसरा उसमें जो द्रव्य भरेंगे वो द्रव्य भी उससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए कर्णिकाएँ बनाई जाती है। मूल छिद्र के प्रमाण के किनारे एक कर्णिका यानी आड़ बनाएं जिससे नलिका आगे गुदा में अधिक न जावे, इस प्रकार से बनाएं। वर्त्राग्रे पिहितम मूले यथास्वम द्वादश द्वय अंगुलांतरम कर्णिका द्वितीयम नेत्रम कुर्यात, इस नेत्र का अगला भाग रूई की बत्ती से बंद रखें, यानी कोई वस्तु अंदर प्रवेश नहीं करे तो बंद रखें उसको। मूल में अपनी दो उंगलियों के अंतर से दूसरी कर्णिका बनाएं ताकि उसको वहाँ बांधा जा सके और नेत्र को करें। इस प्रकार से दो दो कर्णिका बनाई जाती है, एक तो द्रव को रोकने के लिए और एक एक नेत्र को आगे नहीं बढ़ जाए, इसलिए दो कर्णिका बनाई जानी चाहिए। तत्र जय प्रयोजित, अब इसका योजना करनी चाहिए, कैसी योजना करनी चाहिए उसके लिए बताया है कि अजा अवि आवि महिषी दिनाम बस्ती समुद्र तम ड्रम, यानी ये बस्ती किसकी होनी चाहिए उसके लिए बताया है कि इस कर्णिका में बकरी भेड़ और भैंस की मजबूत अच्छी प्रकार से मिली हुई बस्ती को बांध देना चाहिए। बस्ती यानी जो मुद्रा से होता है उसे बस्ती कहते हैं। मतलब कि बस्ती किसकी, पहले तो रबड़ वगैरह की मिलती नहीं थी, इसलिए पहले के ज़माने में अजय यानी बकरी की, सबसे ज़्यादा बकरी काम लेते थे, फिर भेड़ की, फिर भैंस की मजबूत प्रकार की बनाई हुई बस्ती लेते थे, उसको बांध देना चाहिए। दृढ़ कसाय रक्तम, और उसको फिर क्या क्या है, हरड़ के या कीकर के रंग से रंगने पर कसाय रक्त हो जाता है उसका, कसाय वर्ण से उसको रंग देनी चाहिए। निश्छिद्रम, वह कैसी होनी चाहिए, छिद्र रहित, छिद्र नहीं होना चाहिए, एक बीच में छिद्र रहित होनी चाहिए। ग्रंथि, ग्रंथियाँ गांठ रहित होनी चाहिए। गंध सिरम, कोई गंध नहीं होना चाहिए श्राव में, और तनु में यानी पतली होनी चाहिए। गथितम साधु सूत्रेण सुख संध्याय भेषम, और उसको उसको इस प्रकार से उत्तम धागे से भल प्रकार से उसको सुगमता से बांधें, बांध करके इसमें औषध रखी जा सके, इस प्रकार को बांधें और उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की कर्णिकाएँ होनी चाहिए। अब आगे हैं बस्ती के अभाव में करते हुए, अगर बस्ती नहीं है तो उसके अभाव में क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। बस्ती अभावे अंकपादम चे नशेद वासो अथवा गर्म, अगर मान लो बस्ती, जैसे बस्ती मूत्रा से जो है बकरी का बताया है, भेड़ का बताया है, भैंस का बताया है, इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो इनका भी बस्ती नहीं मिलती है तो उसके अभाव में क्या करना चाहिए उसके लिए लिखा है, बस्ती के अभाव में चमगादड़ का चर्म, चमगादड़ का जो चर्म होता है उसकी बढ़ाई जा सकती है, या मजबूत वस्त्र से को काम में लेना चाहिए। मजबूत वस्त्र की भी, मोटे वस्त्र की भी बस्ती बनाई जा सकती है। इस प्रकार से बस्ती बना करके उसका प्रयोग करना चाहिए। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल विजन 2। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिसॉल्व इट। थैंक यू।